आप नहीं करना कहीं स्टेबिलिटी नहीं है, आप डरते हैं, तो आपकी स्पाइन के एंड में पीछे की तरफ आप थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं पचौली, पचौली एसेंशियल ऑयल आपको इजीली मिल जाएगा, उसको गूगल भी कर सकते हैं पचौली का, उसको दो बूंद लेकर अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ अपनी एंड ऑफ द स्पाइन पे मलिए, कुछ दिन इसको लगातार करते हैं, कॉन्फिडेंस में ग्रोथ होती है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपका मन कमज़ोर है, आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी मन से गिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, गुलाब का इत्र लीजिए, सेंटर ऑफ द चेस्ट में रोज़ घुमा कर लगाइए, आपके मन को मजबूती मिलेगी, आपका मन स्ट्रांग होगा। इसी तरीके से तुलसी के जल को लेकर अपने गर्दन के यहाँ पर रोज़ घुमाइए, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी। तुलसी का जल ले भी लीजिए और लगा भी लीजिए, ये साथ साथ करने पर आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है, लोग आपकी बातचीत से इंप्रेस होते हैं। आज आपसे बहुत बातें करनी है, लेकिन पहले आपकी हैंडराइटिंग से जुड़ी खास बात, अक्सर नौकरी ना मिलना, नंबर अच्छे ना आना, करियर में रुकावट आ जाना, प्रमोशन में देरी होना, जीवन में कई कष्ट की वजह गड़बड़ हैंडराइटिंग आपकी सोच होती है, इसीलिए मैं आपको बीच बीच में हैंडराइटिंग में बदलाव करने वाला तरीका बताती रहूँगी। चलिए अब मेरी क्लास शुरू हो रही है। देखिए तीन मेन राइटिंग एंगल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला होता है राइट स्लैंट, यानी कि दाई तरफ झुकाव वाला, जैसे हम ये लिखेंगे हेलो। अब देखिए ये एच का डंडा, ये सब राइट की तरफ झुक रहा है ना, इसको राइट स्लैंट बोलते हैं। ये राइट तरफ स्लैंट करती है, हमारी राइटिंग राइट तरफ गिर रही है, इसका ये मतलब होता है। ये शो करता है कि पूरी दुनिया और जिंदगी के लिए एक बिंदास नजरिए को, ये ऐसे शो करता है। ये एक तरीके की एक्स्ट्रोवर्ट, यानी कि मैं और आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये एक्स्ट्रोवर्ट यानी कि अपनी बात कहने में न चूकने वाले व्यक्ति की हैंडराइटिंग की निशानी है, संकेत देता है। इसी तरीके से ये प्रोग्रेशन यानी कि आगे बढ़ने वाली आदमी की निशानी भी है। अब अपराइट हैंडराइटिंग कैसे होती है? अपराइट यानी कि बिल्कुल सीधी, देख रहे हैं, बिल्कुल सीधी हैंडराइटिंग। ऐसी हैंडराइटिंग, ये एंगल दर्शाता है संसार और जीवन से एक दूरी, अपने आप में संपूर्णता का भाव। इसको ऐसे भी बोलते हैं कि ऐसे लोग स्टेबल और थोड़े रिजिड होते हैं। अब एक हैंडराइटिंग होती है लेफ्ट स्लैंट, ये जब हैंडराइटिंग पीछे की तरफ बैकवर्ड गिरे, ये आगे जा रही है और ये पीछे जा रही है, तो बाईं तरफ झुकाव वाली हैंडराइटिंग का जो एंगल होता है इसको लेफ्ट स्लैंट कहते हैं। इसका मतलब इंट्रोवर्ट आदमी, कि मैं पीछे छुप रहा हूँ, समझ रहे, और ये मैं आगे जा रहा हूँ। रिग्रेशन, कमज़ोर सोच, ऐसे व्यक्ति जो हैं इनमें डिप्रेसिव क्वालिटीज भी ज़्यादा होती है। ये भी कह सकते हैं कि ये अपने अहम में, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में इसको पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और संसार से दूर है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है तो कम से कम स्ट्रेट या आगे की तरह शिफ्ट करें और अपने बच्चों की हैंडराइटिंग पे ज़रूर नज़र डालें। ऐसा करने पर आपके बच्चों का एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी है, लेकिन हाँ, अगर ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं तो भी ऐसे लोग ज़रूर से ज़्यादा ओवर एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयरिंग बन जाते हैं, लोगों पर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो थोड़ा राइट एंगल तो ठीक है, राइट स्लैंट ठीक है, पर लेफ्ट स्लैंट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शो में आगे बढ़े उससे पहले आपको आज का चौथा महा उपाय क्या है?